हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCS क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में नई भर्ती 2019। जी हां फ्रेंड्स, SC ST विभाग में 3743 पदों पर भर्ती होगी। जी हां फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, आज का न्यूज़ है। तो कह सकते हैं चुनाव से पहले जो है अभी देख रहे हैं कि नौकरी का बहार लगा हुआ है। अभी SC ST के बारे में बात किए, समाज कल्याण विभाग के बारे में बात किए, डिफेंस लाइन में देख लिए फ्रेंड्स, जो है सैनिक की बहाली होगी। इस तरह से जो है बहुत सारे बहाली जो है हो रही है फ्रेंड्स। तो जल्दी से नौकरी ले लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बिहार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते वीडियो को, देख लेते पूरी जानकारी को। उससे पहले फ्रेंड्स एक बात आप लोग को बताना है, जैसे मैंने कन्या उत्थान योजना के तहत जो है छात्राओं को जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है फ्रेंड्स 10,000-15,000, उस पर एक भाई साहब ने बहुत हेवी कमेंट किया है। उस कमेंट को मैं दिखाता हूँ और उस पर मैंने भी रिप्लाई किया है, बहुत हंसी आई हमें। तो चलिए उसको देख लेते, फिर उसके बाद SC ST विभाग में जो 3743 पदों पर जो भर्ती होगी उसके बारे में डिटेल देख लेते। तो थोड़ा सा कमेंट के तरफ ले चलते हैं, रुक करते कमेंट के तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कमेंट्स किया गया था, ये वीडियो मैंने बताया था कि 25,000 रुपये स्नातक पास वालों को जो है मिल रहा है और 15 जुलाई से जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। तो यहाँ पर इन भाई साहब ने देखिए क्या कमेंट किया, यहाँ पर लिखा है दुल्हा उत्थान योजना कब आएगा यार, अभी तक शादी नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अजीब कमेंट आपने किया, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपका। तो मैंने इस पर जवाब दिया, यहाँ पर देख सकते हैं सुपर क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने हंस दिया। तो देखिए इस तरह के बात होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखने को मिलता है बॉयज़ लोग, बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज लाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, पर उनके लिए कुछ नहीं है। बट गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा जो है योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोत्साहन राशि है जो गर्ल्स को दी जाती है। तो गर्ल्स जो है चाहिए कि जो भी गर्ल्स हो कम से कम अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अचीवमेंट को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। आइए अब हम लोग देख लेते हैं बहाली के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान, पटना का हिंदुस्तान पेपर का ये पेपर कटिंग है, SC ST विभाग आज का ही है। SC ST विभाग में 3743 पदों पर भर्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, खुशखबरी कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2244 शैक्षणिक एवं 1499 गैर शैक्षणिक पद हैं, ठीक है। 93 आवासीय स्कूलों को +2 में उत्क्रमित करते हुए पद सृजित है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण SC ST कल्याण विभाग द्वारा राज्य में 3743 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 2244 शैक्षणिक पद एवं 1499 गैर शैक्षणिक पद पर नियुक्ति की जाएगी। विभागीय मंत्री रमेश ऋषिदेव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 93 आवासीय विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करते हुए कुल 3743 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर मार्च 2020 तक नियुक्ति कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 2016 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के सृजित 518 पदों के विरुद्ध 171 शिक्षक कार्यरत थे, जो कुल सृजित पद का मात्र 33% था। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक के 83.65% शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार गरीब एवं महादलित परिवारों के विकास के प्रति तत्पर है। राज्य में SC के लिए 104 एवं ST के लिए 7 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से विकास रजिस्टर तैयार जो है किया जा रहा है। इसमें सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को दर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट था। तो फ्रेंड्स इसे सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।